देखिए भगवान के मन पूछ के नहीं किया, तब कहा हमारे अंदर तो बहुत पाप है। कैसे कहते हो मेरे अंदर पाप है? मुखड़ा देख ले प्राणी, जब रात को सोते हो स्वप्न बताते हैं। किसको कहते हो पवित्र आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, किसको कहते हो? कैसे पता चला मेरे अंदर बीमारी है? डॉक्टर शरीर एक्सरे निकाल के दिखाता है। क्या यहां पाप आत्मा पुण्य आत्मा दिखा सकते हो? हाँ, जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो स्वप्न कहां से आए? उसमें पांच विकारों के स्वप्न आते कहां से आए हो? बाहर से आए, आंखें बंद है, ना देखते हो ना सोते हो सुनते हो। आत्मा ने शरीर में आने के बाद जो जो कर्म किया, एक एक सेकंड सब भरा हुआ है, संचित कर्म कहते हैं। तो वो कर्म पहले स्वप्नों में आता है, दिखाई देता है आपको, फिर मन में विचार चलता है। मन खराब नहीं, मन अशांत नहीं है, ये मन में विचार कहां से आया? फिर बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा कौन करता है? अपने किए हुए कर्मों का फल है। हमने देखा एक जगह पर लंदन में एक व्यक्ति हमको कह रहा हमारे साथ खाना खा लो, गया, सोने की थाली, सोने का चम्मच, सब कुछ। हमने कहा भाई जी आप भी बैठो, कह रहे मेरे तकदीर में कहां है? हमने कहा आप मुझे खिला रहे हो, आप भी खाओ। नहीं मेरे तकदीर में नहीं। क्यों? हमने कहा मेरे साथ बैठो ना। आता हो कहने का, जाके इंजेक्शन लगा के आया, इतनी शुगर, कुछ खा ही नहीं सकता है। तो देखो दिया है भगवान ने लेकिन खा नहीं सकता है ना। हमने कहा मुझे खिला रहे हो, आप भी बैठो, हमारे तकदीर में कहा? हमने कहा है आपके तकदीर में, किसने कहा? तो देखा आता हूं इंजेक्शन लगा के आया, थोड़ा कुछ खाया, होते हुए भी खा नहीं सकते हैं। तो कर्मों की गुह्य गति जाननी चाहिए। कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म, दुनिया में चार कर्म है।